मांस के अंदर भी इतनी अच्छी घी की खुशबू आ रही है, मतलब ये प्योरिटी है, बिल्कुल प्योर। ये रावत जी ने हमें सिंगोड़ी दी है खाने को, खोए को स्टफ कर रहे हैं मालू के पत्ते में, उन्होंने एक कोन बनाया हुआ है उसमें स्टफिंग की जा रही है, और बिल्कुल तरह से सॉफ्टी ऐसी होती है वैसे दिखने में। ये एक बार सिर्फ चाशनी में डुबोना है और निकालना है ना जी। बहुत ही बढ़िया, एकदम कुरकुरी चाट है। वेलकम टू अल्मोड़ा सर, और हम अभी हैं नंदा देवी मार्केट में, और हम धीरे धीरे अल्मोड़े का फूड वॉक करेंगे। पहला डेस्टिनेशन हमारा जोगालाल था, हम वहाँ पे बाल मिठाई और सिंगोड़ी टेस्ट करेंगे सर, और उसको बनते हुए पूरी प्रोसेस देखेंगे। सर आपका शुभ नाम क्या हुआ? निखिल शाह। हाँ जी, निखिल शाह। निखिल शाह जी, अच्छा। तो जो अल्मोड़े की पहचान है बाल मिठाई और सिंगोड़ी, इन्वेंटरी हम ही हुए, हमारे दादा हुए फिर पांचवी पीढ़ी में, तो मैं ही बैठ चुका हूँ। 1865 में शुरू हुई थी, तो आविष्कार किया था। तो एक स्टोरी नियन की तो बहुत सी स्टोरी है, 200-300 साल तो हमारे मकान को हो गए। अच्छा, 158 साल इस कारोबार को हो गया जब से इसका आविष्कार हुआ। इसमें लिखा हुआ है, माना जाता है कि यह मिठाई सबसे पहले नेपाल में भगवान सूर्य को प्रसाद स्वरूप चढ़ाने के लिए विशेष अवसरों पर बनाई जाती थी। अल्मोड़ा के हलवाई जोगालाल शाह जी ने इसको अल्मोड़ा में ही बनाने का काम शुरू किया। इसके लिए वो आसपास के गांवों से दूध इकट्ठा कर उससे शुद्ध खोया तैयार करते थे, फिर इस खोए को चीनी में मिलाकर इतना भुना जाता था कि इसका रंग गहरा भूरा यानी चॉकलेट के रंग के जैसे हो जाता था। फिर ठंडा होने के बाद इसको छोटे छोटे आयताकार टुकड़ों में काट लेते थे, और उसके बाद इन टुकड़ों के बाहर पोस्ता यानी खसखस के दोनों की चीनी में भिगो कर लगाते थे, जिससे इस मिठाई का स्वाद कई गुना बढ़ जाता था। साथ ही साथ यह दिखने में भी अत्यधिक आकर्षक लगती थी। धीरे धीरे यह मिठाई अपने स्वाद के कारण अल्मोड़ा तथा उसके आसपास के इलाकों में प्रसिद्ध होती चली गई। इसलिए प्रसिद्ध लेखिका गौरी पंत शिवानी जी ने इस बाल मिठाई का वर्णन अपनी रचनाओं में कई बार किया है। ऐसा माना जाता है कि इस मिठाई को और भी संवारने का काम स्वर्गीय नंदलाल सिंह जी शाह जी ने किया था। जो हमारे दादा हुए, अच्छा। हमारे पहले लाला जोगा था के बेटे हुए नंदलाल सर, जो उनका नाम आया ना, वो तीसरी पीढ़ी का, सेकंड पीढ़ी का नहीं आया, थर्ड पीढ़ी का डाल दिया। सबका शुभ नाम क्या हुआ? जीवन सिंह रावत। आप हमें क्या बना के दिखाने वाले हैं? सर हम सिंगोड़ी। सिंगोड़ी जी, चीनी का बखर हुआ ना, चाशनी। चाशनी या लोकल भाषा में बखड़ बोलते हैं। जी जी जी, अरे आप चाशनी, हम वो एक ही बात है। हाँ, ये कितना किलो चीनी है? ये है 1.5 किलो नहीं है, 1 किलो 350 ग्राम है, इसमें 250 ग्राम वेट उसका आता है तराजू का। अच्छा, 1 किलो 100 ग्राम है। 1 किलो 100 ग्राम। आपको कितने साल लोग है बनाते हुए? जी मेरे को तो सर मैं 93 से ही काम चल रहा है। 90 से 93 से 93 इस दुकान में मेरे को 7 साल हो गए। दुकान क्या, अपना घर ही है, कोई मैं ऐसा नहीं, वो नहीं, अपना घर ही ठहरा है, यही ठहरा मैं। इतनी भी इम्प्योरिटीज है चीनी में, वो साइड करते जा रहे हैं। अब ये खोया डाल रहे हैं। ये 4 किलो खोया चला गया जी। हाँ, 4 किलो खोया। मांस के अंदर भी इतनी अच्छी घी की खुशबू आ रही है, मतलब ये प्योरिटी है, बिल्कुल प्योर। ये सर आपको प्योरिटी कहीं नहीं मिल पाएगी, कहीं भी नहीं, आप पूरे पूरे शहर में ये चैलेंज वाली बात है कहीं भी। तो मुझे लगता है कि मेन चीज़ वो है कि जो आप लोग खोया सोर्स करते हैं गांव से, वो बिल्कुल शुद्ध लाते हैं, शुद्ध पहाड़ी खोया ही, और वही स्वाद लाता है सिंगोड़ी में। ये 6
सर हमारा पुश्तैनी काम है कि हमसे जुड़े हुए हैं ना लोग, तो उनको पता है। तो भैंस के दूध का खोया लेके आते हैं? भैंस का, गाय का भी आता है सर। ये हमारे पुश्तैनी काम हुआ तो हमारा लगा हुआ है ना, हमने लेना ही लेना है। जिस सीजन के टाइम पे तो हमारे भाई इतनी कमी हो जाती है कि कोई हिसाब नहीं। जैसे रक्षाबंधन हो गया, आप जाओगे घर जाओगे जाओगे, ये लच्छे वाली बॉडी मिलेगी नहीं आपको कहीं भी। लेकिन होगी वाइट होगी, इतनी वाइट होगी, हमारी लाल होती है। इसको चलाते रहना है ऐसे, लगना नहीं, 20-25 मिनट चलाना है इसको। अब इसमें डाल रहे हैं इलायची पाउडर जी, किसी भी इलायची। क्या बात, बहुत ही जबरदस्त इलायची की खुशबू आ रही है। और क्या लाल खोया है। और जैसा जीवन जी बता रहे हैं, इसको दो बार पकाया गया है, एक तो बार जो पक के आता है और एक बार यहाँ पकता है। 4 किलो खोया दूध रखूँगा हम, 1 किलो बनता है उसमें के लिए 2 घंटा यूज होता है, वो दूध को पकाना पड़ता है हमें। और स्वच्छ से फिर भी थोड़ा बहुत लाल तो होगा ही, अगर 1.5 घंटा चलेगा दूध थोड़ा लाल तो होगा ही। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हमारा खोया पहाड़ी थोड़ा लाल होता है। क्या बात है, ये सब घी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है घी की और इलायची की। ये सिंगोरी फाइनल बनने से ठीक एक पहला स्टेप है, इसके बाद ये मालू के पत्ते में जाएगा और फिर सिंगोड़ी बन जाएगी। चलो, खोया, इलायची, बाकी ड्राई फ्रूट, बादाम, वाह बढ़िया। ये रावत जी ने हमें सिंगोड़ी दी है खाने को, खोए को स्टफ कर रहे हैं मालू के पत्ते में, उन्होंने एक कोन बनाया हुआ है उसमें स्टफिंग की जा रही है, और बिल्कुल तरह से सॉफ्टी ऐसी होती है वैसे दिखने में। ये ताइए जायका लिया जाए अल्मोड़ा की प्रसिद्ध सिंगोड़ी का। कैसा है? एक तो ठीक लग रहा है। तो ठीक ही लग रहा है, मुझे भी टेस्ट ठीक ही लग रहा है। नहीं, अपना तारीफ ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। रावत जी कह रहे हैं टेस्ट तो ठीक ही लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल दानेदार लच्छे वाला खोया है, इलायची का बहुत ही उम्दा जायका है, साथ में बीच में से बादाम के टुकड़े भी आ रहे हैं, फिर ये मालू के पत्ते में सर्व किया गया तो उसकी खुशबू भी इसमें है, बहुत ही उम्दा। अब बनाई जा रही है अल्मोड़ा की एक और प्रसिद्ध मिठाई, बाल मिठाई। तो ये कितना किलो खोया था? 4 किलो। और 1 किलो चीनी? 1.5 किलो। 1.5 किलो चीनी ज़्यादा जाती है इसमें, सिंगोड़ी से ज़्यादा।
ये चाशनी में क्या मिला हुआ है, कलर है क्या ये? चीनी। इतना काला कैसे हो जाता है चाशनी? चीनी जल जाती है। इसमें आप थोड़ी सी कॉफी डाली, इससे थोड़ा कलर आता है। और हाँ, थोड़ा सा उसी के लिए बस कॉफी पड़ती है, इससे कलर आएगा थोड़ा टेस्ट, थोड़ा टेस्टी में भी, थोड़ा हल्का हल्की कॉफी डालती है। बाकी और इसमें कोई फॉर्मूला अलग है नहीं, बस इसको थोड़ा टेम्परेचर का है थोड़ा। अब ये कलर जो है धीरे धीरे बाल मिठाई वाली कलर आ रही है, जो बाल मिठाई के अंदर का चॉकलेट होता है वो उसका टेस्ट, उसका कलर आ गया है। मतलब है बहुत मेहनत वाला काम। जीवन सिंह रावत जी लगभग एक घंटे से इसको पकाए जा रहे हैं, पकाए जा रहे हैं, पकाए जा रहे हैं, ये पकने का नाम नहीं ले रहा। रावत जी आप कौन से गांव से हैं? कुशी के पास। तो आप हलवाई का काम करते हैं शुरू से? अब इसको 8 घंटे ठंडा करेंगे। 8 घंटे कम से कम। सुबह काम आएगा कल। नहीं, रावत जी मडुए की रोटी सरसों का साग खा के पूरे दिन करछी चलाते हैं। हैं? ये क्या बात है। जो यहाँ पे दाने देख रहे हैं ये बनाए जाते हैं पोस्ता और चीनी से जी, इसको बहुत लोग अंग्रेजी में शुगर बॉल्स बोलते हैं। अब ये चॉकलेट काटी जा रही है ना जी। क्या बात। एक बार सिर्फ चाशनी में डुबोना है और निकालना है ना जी। जीवन जी ने बहुत ही मेहनत से बनाई है अल्मोड़ा की प्रसिद्ध बाल मिठाई। ये बाल मिठाई है, ये चॉकलेट है। दोनों में फ़र्क बस इतना ही है कि चॉकलेट में चाशनी लगाने के बाद ये शुगर बॉल्स लगा देते हैं, जो पोस्ता दाना और चीनी से बनाया जाता है, ये तैयार हो जाती है बाल मिठाई। और उससे एक पहले का जो स्टेप है वो है चॉकलेट। तो जीवन जी आइए, जायका लिया जाए। कैसा बना? मज़ा आ रहा। सबसे पहले घी का स्वाद आया है, क्योंकि इसमें घी है नहीं, लेकिन घी का जायका आ रहा है। जी घी है, है जो खोया घी छोड़ता है, घी होता है वो घी का स्वाद है। अपने घी डाला नहीं है, लेकिन खोए ने जो घी छोड़ा है उसका स्वाद आया। दूध से ही घी निकलता है, क्या डालना है, जब घी का ही बना है जी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक एक थोड़ा सा जो फजी टेक्सचर होता है वो इसका है, हल्का सा च्यूवी भी है और हल्की सी मिठास, और जो आपने थोड़ा सा कॉफ़ी डाला है उसका फ्लेवर भी इसमें आ रहा है जी, आएगा। और बहुत ही बढ़िया। अब जायका लेते हैं बाल मिठाई का। बहुत मीठा है। मीठा ये दाने से, दाने से लग रहा है। शुगर बॉल जो आप खा रहे हो इससे मीठा लग रहा है आपको। इस पे ये भी है ना कि चॉकलेट के ऊपर चाशनी की परत लगी, जी, जी, जी। उसके बाद फिर ये शुगर बॉल लगाया, चीनी, चीनी तो डबल मीठा हो गया है। तो मुझे ज़्यादा पसंद आई। हालांकि इसका नाम चॉकलेट है लेकिन इसमें चॉकलेट नहीं होता, जो एक कलर है वो डार्क ब्राउन कलर है, उससे इसका नाम चॉकलेट पड़ गया। तो मुझे लगता है निखिल जी जो मेन की इंग्रेडिएंट है इस बाल मिठाई में वो है खोया। खोया इतना शुद्ध खोया होगा उतना अच्छा स्वाद आएगा। और खासकर आप लोग यहाँ गांव से खोया सोर्स करते हैं? खोया पर हमारे पुश्तैनी खानदानी काम है, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलाई जा रही है और पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम है हमारा। अच्छा बताइए चाशनी में वो कलर कैसे आता है? और चाशनी में कोई कलर नहीं आता, थोड़ी टाटरी पड़ती है, थोड़ा वैसी हुआ हो अपने फार्मूले हैं, अपने फार्मूले जो सीक्रेट है इस दुकान के। 1865 से उसे कोई भी फिगर आउट नहीं कर पाया कि क्या है वो, तो आप हमें बता दीजिए आज। अरे आज बता दीजिए, दुनिया देखना जानना चाहती है
सर दुनिया तो वैसे ही जानना चाहते हैं कि उसमें क्या है जो रंग लाता है ऐसा। वो जो भी है हमारे दादा का आशीर्वाद, दादा का आशीर्वाद है वो जो रंग लाता है। इतने लोग खा रहे बाल में रहेंगे, 100 लोगों को रोजगार मिल रहा है, हम ही को नहीं। ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब एक तरह से ये अल्मोड़ा की पहचान है। पहचान है और जो भी पहचान है, आइडेंटिटी है, आदमी यही है, यही है इनकी तो मेन फोटो यही है। जी जी थैंक यू बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू। अल्मोड़ा पर्वतीय क्षेत्र का सबसे पुराना शहर है। इस शहर के आधार पर इस उत्तराखंड की अवधारणा मानी गई है और इसी के आधार पर यहाँ पर जितने भी स्वतंत्र संग्राम और जितने भी आंदोलन हुए थे, मेन स्थल ये अल्मोड़ा ही है। सिर्फ राजनीतिक उसमें ही नहीं बल्कि हम सामाजिक स्तर में भी देखें, अल्मोड़ा एक बहुत बड़ी विरासत है, पौराणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक। सिर्फ एक इसका यही महत्व तो नहीं है, इसको एक देवी स्थल माना गया है। 8 देवियों की स्थापना यहाँ पे हुई है, अष्ट देवी, नौ देवी, अष्ट भैरव का स्थान माना गया है। इससे संबंधित जो चितई स्थल है उसकी मान्यता न्यायपालिका से भी ज़्यादा बड़ी मान्यता मानी गई, तो अल्मोड़ा एक पूजनीय स्थल है। काले चने, काले चने हैं। किसके साथ देते हैं इसको? प्याज टमाटर मिला के, हरी मिर्ची, नींबू डाल के चाट। अच्छा, चना चाट है। क्या नाम हुआ अंकल आपका? मोहनचंद जी। कितने साल से बेच रहे हैं? 25 साल से यही चीज, छोले। क्या बात है, कौन लोग खाते हैं जो बाहर शॉपिंग करने आते हैं? बोलो। स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे खाते हैं और शाम में बड़े खाते होंगे। काम कम है लॉकडाउन। हाँ, बड़े हुआ बिल्कुल चटपटा मसालेदार है। 25 साल से आप एक डिश बना रहे हैं। 95 से यहाँ डाल देना मोहन जी। और एक क्विक स्नैक, इसको यहाँ बोलते हैं दिल बहार छोले, और ये काले चने उबाल के मसालों के साथ, प्याज टमाटर के साथ, खटाई के साथ बनाया गया, बहुत ही उम्दा जायका। धन्यवाद मोहन जी। इस समय हम अल्मोड़ा के चौक बाजार में सर। सो ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के जो सामने लोहे का शेर, इसे ट्रेडमार्क ऑफ अल्मोड़ा। सो ये मतलब एक तरीके से बहुत पहले से ये बचपन से हमें देखते हुए आ रहे हैं। सो लोहे का शेर इसे इस जगह का नाम है, लोहे का शेर। ये है अल्मोड़ा की प्रसिद्ध केशव जलेबी वाले की जलेबी, और ये शॉप 70 साल से यहाँ पे है। इनके यहाँ पे दूध जलेबी भी मिलती है, दही जलेबी भी मिलती है। हम लोगों ने सिर्फ सादी जलेबी ली है, दूध नहीं लिया है क्योंकि अभी छोले खा के आ रहे हैं, उसके ऊपर दूध पीना सही नहीं रहेगा। दही ख़त्म हो चुकी है, तो हमने सिर्फ जलेबी ली है। आइए सर, जायका लिया जाए। बिल्कुल क्रिस्प, जूसी। चलिए सर, धन्यवाद, थैंक यू। ये सर शॉप का नाम है उत्तरांचल आर्ट। तो ये हमारे वहाँ का जो एप्पन आर्ट कला है, जैसे क्राफ्ट आर्ट्स हो, और उसको ये उसको सेल करते हैं यहाँ पे, उनकी शॉप है। तो मैम बाकी मैम। अच्छा, एप्पन आर्ट का जो मुझे नॉलेज है कि वो गेरुए रंग पे चावल को पीस के बनाते हैं, और
उसका अलग अलग भगवान का अलग तरीके से बनाया जाता है। अलग अलग जैसे विवाह चौकी हो गई। हाँ, विवाह चौकी। और क्या कहते हैं, दिवाली की अलग आती है, और अलग अलग मतलब जितने उत्सव होते हैं अलग अलग उत्सवों की अलग अलग चौकियाँ आती हैं। हर पर्व में अलग अलग ये कुमाऊनी आर्ट ये आपका घर के बाहर टांगने वाला है? घर के बाहर, शादी ब्याह में लगता है। ये है कुमाऊनी एपन ट्रेडिशनल आर्ट। सर की चाट बहुत फेमस है और इनका टेंट का काम भी है। जी बिल्कुल, ये टेंट का काम भी है। मैं लगता है ये छोले गर्म कर रहे हैं। ये छोले टिक्की के साथ देते हैं? टिक्की के, मटर टिक्की हमारे लिए लगाइए। एक टिक्की गर्मा गर्म गंगोला मोहल्ले, इसका नाम गंगोला मोहल्ला क्यों पड़ा? गंगोला मोहल्ला क्या मतलब हुआ इसका? गंगोला, गंगोला एक कास्ट है। अच्छा, तो ये रही चौधरी साहब की स्पेशल टिकिया, साथ में दो तरह की चटनी है, दोनों में अमचूर है। ये तीखी है, ये मीठी है, और मटर है साथ में, थोड़ा लाल मिर्च ऊपर से छिड़का है। आइए सर, जायका लिया जाए। बहुत ही बढ़िया, एकदम कुरकुरी चाट है, अंदर में कोई स्टफिंग नहीं है, सिंपल टेस्ट, सिंपल। मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, लाइन से दुकान है यहाँ पे, खासकर ज्वेलरी शॉप्स मैंने बहुत देखी। अच्छा, ज्वेलरी बाजार है तभी। तो चौबीस साल कितने साल हो गए आपके दुकान को? 25 साल। 25 साल कहाँ के रहने वाले हैं? यही जन्म स्थल है आपका? स्वाद तो उत्तर प्रदेश वाला है। अब चाट है ही यूपी की है कि नहीं? चाट है ही चीज़ उत्तर प्रदेश की। बहुत बढ़िया चाट। और अल्मोड़ा में क्या, पूरे उत्तराखंड में आलू का स्वाद अनोखा है ना? आलू खुद में बहुत स्वादिष्ट है। अलग तरीके के गोलगप्पे हैं, छोले और दही, दही पुचका है, दही पूरी। ये गोलगप्पे और लगाने? हाँ, धन्यवाद कंचन जी। तो बजरी में मूंगफली को भून रहे हैं। हमने हर जगह देखा है ना, कहीं पे नमक के साथ भूनते हैं। नहीं नहीं, यहाँ बर्तन में खाते नहीं, इसलिए यहाँ। अच्छा, तो रामाशंकर गुप्ता जी हैं, रहने वाले देवरिया से, 25 साल से अल्मोड़ा में सब्जियाँ और मूंगफली बेच रहे हैं। चलिए, धन्यवाद रामाशंकर जी। इस शॉप का नाम है सावंस नौजन। नौजन कैफे। और ये जाना जाता है अपने थुप्पा मोमो चाइनीज फूड के लिए। अच्छा, चाइनीज बोले कि टिबेटन बोले? टिबेटन प्लस चाइनीज। अच्छा, मोमोज इज फ्रॉम टिबेट, नूडल्स और ये सब चाइना, जापान। और थुप्पा भी टिबेटन है? थुप्पा भी टिबेटन। चलिए, तो हमने मंगवाया ड्राई थुप्पा नॉन वेजिटेरियन। ड्राई थुप्पे में ये रहता है कि आप अलग से नूडल्स बनवाते हैं, तो जो क्रिस्पीनेस रहती है वो नूडल्स की बरकरार रहती है,
साथ में सूप डालने से हल्का सा एक टेक्सचर मिल जाता है इसको अलग सा, जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा आपने लाल चटनी डाली मिर्च वाली, थोड़ा तीखापन आ जाता है। और तो जो अल्मोड़ा में रामलीला होती है उसमें रावण आप बनते हैं? हाँ, जो नंदा देवी रामलीला होती है अल्मोड़ा की, जो नंदा देवी की रामलीला है वो कम से कम 150 साल से पुरानी है। बाकी फिर इसी के जो कोई अलग अलग जगह करने लगते हैं, लेकिन अल्मोड़ा की जो नंदा देवी की रामलीला वहाँ मुझे 10 साल हो गए रावण का। तो रावण का एक जो हंसते हैं उसका हंसने का स्टाइल, तो उसमें थोड़ा वेट गेन करते होंगे आप? नहीं नहीं, हो जाता कपड़ों में आ जाता है इतना। कपड़ों में आया था अब जरा हम वैसे रावण जी मतलब थोड़ा वो टीवी सीरियल वाला जो होता है बढ़िया साफ सुथरा वाला वो रावण। तो एक डायलॉग मैं ऐसे डायलॉग बोलता हूँ, हाँ। काल सनी को कैद किया इंद्र बजावे बाजा, इस रजत शिरोमणि जगत में रावण लंका का राजा। क्या बात है। चलिए सर, ठीक है सर, थैंक यू। अब आइए जब कसानी से लौट के आओ। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, चलिए। इनका जो भोजनालय है बाराकोटी भोजनालय, वो देखने में बहुत खूबसूरत है। अब वो भोजन तो मैंने ट्राई नहीं किया, अब जगह नहीं है पेट में, लेकिन आपकी दुकान बहुत सुंदर है। बाहर से जो आपने डिज़ाइन दिया है इसका बहुत सुंदर है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम महेश। महेश बाराकोटी। कितने साल पुराना भोजनालय है आपका? सर दादा के टाइम से होगा। दादा दादा और पिताजी पिताजी का मैं हुआ। थैंक यू संजय भाई, बहुत मज़ा आया अल्मोड़ा का फूड टूर करके आपके साथ। अगर मैं बात करूं हाईलाइट्स की, तो सबसे अच्छा जो मुझे लगा फूड टूर में वो लगा चौधरी साहब की टिक्की, सेकंड दिलबहार छोले, और थर्ड यहाँ की जलेबी। और देखा जाए तो यहाँ पे उतना ज़्यादा कोई स्ट्रीट फूड कल्चर नहीं है। अल्मोड़ा जाना जाता है अपनी बाल मिठाई के लिए, साथ में सिंगोड़ी के लिए। तो बने रहें हमारे साथ, तब तक कीप वॉकिंग कीप एक्सप्लोरिंग। परदादा के परदादा, हाँ परदादा हो गए पाँच, दादा परदादा, फिर परदादा, फिर परदादा, दादा दादा दादा, पाँच परदादा। हमारे दादा के भी, दादा के भी दादा हुए हैं, मतलब पाँच, फाइव टाइम्स दादा, फाइव टाइम दादा, फाइव टाइम दादा ने ये इसका आविष्कार किया। बाल मिठाई एवं सिंगोड़ी की आविष्कारक एवं प्रमुख निर्माता, दोबारा से पढ़ लेता हूँ, निर्माता को निर्माता बोल दिया। लाला जोगा सा स्थापित 1865 बाल मिठाई एवं सिंगोड़ी के आविष्कारक एवं प्रमुख निर्माता, फिर से बोलना पड़ेगा। लाला जोगा सा स्थापित 1865, हम बाद में बोल देंगे। क्या रावत जी, कुर्सी पे नहीं, मैं बैठूंगा आपके साथ, तो मैं भी साथ में, मैं भी भरूंगा ना थोड़ा थोड़ा। ना, आपसे नहीं भरा जाएगा। कैसा क्या इसमें कलाकारी है, तो मैं नहीं भर सकता। नहीं खासे खाते हैं इसको, यार पत्ता निकाल के खाते हैं पूरा खोल के, पत्ता भी खा जाए। मजाक करो रावल जी, आप तो करना ही पड़ेगा। सही बात है, एकदम सही बोल रहा है, सच्चाई। एक ने पत्ता खा दिया, टाइम है नहीं हमारे पास, तुम भी जाओ मैं भी जाओ। मुझे कह रहे जल्दी शूट करो अगर आप मेरा समय नष्ट ना करें। बहुत ही, एक साल लगेगा कम से कम सीखने में। एक साल जी। तो मैं फिर मतलब एक साल निकाल के आऊँ टाइम है। चलिए एक दिन दो दिन में तो तुम्हें इसका पानी मारने में लगता है। भैया कर, पानी वाला आता है मुझे भाई साहब, ऐसी बात कर दी जीवन जी आपने ऐसी। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये शुगर बॉल्स हैं, हाँ है ना? Yes, yes, yes. Am I right? Pretty, 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 English, I'll let them. Okay.